वेलकम बैक टू माइनक्राफ्ट स्काई ब्लॉक। सो गाइस, पिछली बार मैंने अपना ये पूरा डायमंड आर्मर कंप्लीट किया था और आज मैं इस डायमंड आर्मर को फुल्ली इंजेंट करने वाला हूँ। पर उससे पहले अभी तक जिन लोगों ने लाइक नहीं किया वो लोग लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैंने पिछली बार ये डायमंड का आर्मर लिया था और मैंने, हाँ, दो पिकैक्स रखी है। एक तो मैंने स्पेशली कबलस्टोन को माइन करने के लिए रखी है, मैंने ले ली थी। और मैंने काफ़ी सारे कबलस्टोन इकट्ठे किए थे, जिनमें से थोड़े से कबलस्टोन से मैंने सैंड बनाई है, क्योंकि अभी हमें नेदरराइट की भी ज़रूरत होगी तो उसके लिए मुझे TNT चाहिए। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे सैंड और ग्रेवल रखे थोड़े से, और अब भी मैं सैंड बना रहा हूँ जब टाइम मिलता है तब। तो मुझे अभी एक गन ब्रेकिंग 3 की बुक चाहिए, जो कि शायद मेरे पास नहीं है यहाँ पे। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। और ओके, यहाँ पे एक मेंडिंग भी है और लॉयल्टी है। मुझे अभी प्रोटेक्शन 4 चाहिए, तो इसको मैं ट्रेड चेंज करता हूँ और देखते हैं अभी ये कब तक देगा मुझे। ओके, ये डील सही है वैसे, क्योंकि ये 13 में प्रोटेक्शन 3 दे रहा है तो ये सही है, क्योंकि वो 42 में दे रहा था। तो चलो, एक तो इंचेंटमेंट मिल गई हमें। अभी मुझे अनब्रेकिंग 3 चाहिए, तो स्टार्ट करते हैं किसी और को और देखते हैं ये कब तक अनब्रेकिंग 3 देगा। और हाँ, वैसे ये एफिशिएंसी दे रहा है तो इससे मैंने ट्रेड नहीं की, तो इससे ही मैं ट्राई करता हूँ, अगर जल्दी दे तो सही होगा। ओके गाइस, तो काफ़ी टाइम से मैं ट्राई कर रहा हूँ पर अभी तक मुझे अनब्रेकिंग 3 नहीं मिली। यहाँ पे मुझे प्रोटेक्शन 3 मिली है और यहाँ पे मुझे एक लूटिंग 3 मिली है, जो कि 13 एमरल्ड में है। और ये बंदा मैं कब से ट्राई कर रहा हूँ यार, ये दे ही नहीं दे रहा, ये अभी थॉर्न्स दे रहा है जिसकी ज़रूरत नहीं है मुझे। तो अभी स्टार्ट करते हैं इंचेंटमेंट करना। तो पहले मुझे चाहिए फॉर्चून पिकेक्स के अंदर, पहले मैं देख लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास लपिश है काफ़ी है। और हाँ, यहाँ पे भी होगा ना शायद, फॉर्चून मुझे मिला था। अनब्रेकिंग 3 और प्रोटेक्शन 3 तो है, और इसके अंदर अनब्रेकिंग 3 है, फायर प्रोटेक्शन है, तो ये भी लगा सकता हूँ वैसे मैं। एफिशिएंसी और फायर प्रोटेक्शन 3, फेदर फॉलिंग 4 है इसके अंदर। इसके अंदर पावर 4 है तो ये भी काम का है। तो अभी मैं यहाँ से ग्राइंडस्टोन उठा के आता हूँ एक, क्योंकि ग्राइंडस्टोन की ज़रूरत पड़ेगी। इसको मैं अभी के लिए निकाल लेता हूँ और वापस यहाँ पे आके लगा दूँगा, और इसको ग्राइंड करके देखते हैं इसके अंदर क्या मिलता है। स्माइट मिल रहा है, स्माइट नहीं चाहिए मुझे। और ये वाले पिकेक्स जो है एफिशिएंसी 3 वाले, इसको मैं ग्राइंड करके चेक करता हूँ, अगर फॉर्चून मिल जाए तो अच्छी बात है। अरे भाई, फॉर्चून मिल रहा है, अरे भाई, एफिशिएंसी के साथ मिल गया और अनब्रेकिंग 3, नाइस। शार्पनेस 3 मिल रहा है इसके अंदर, ले लेना चाहिए। और नॉकबैक 2 मिला है, चलो कोई बात नहीं। अभी अपने आर्मर पे देखते हैं, प्रोटेक्शन 3 मिल रहा है, इसमें प्रोटेक्शन 3, इसमें फेदर फॉलिंग 4 और प्रोटेक्शन 3 ले लेता है। इसमें प्रोटेक्शन 4 मिल रही है, सही है। ये लो, अनब्रेकिंग 3 फ्री में मिल गई और प्रोटेक्शन 4। और अभी बूट बचते हैं जिसके अंदर फेदर फॉलिंग मिल रहा है। यार, फेदर फॉलिंग तो नहीं चाहिए मुझे, फेदर फॉलिंग है मेरे पास ऑलरेडी। यहाँ पर टॉर्च लगा के देखते हैं, फायर प्रोटेक्शन मिल रहा है, चलेगा ये।
ओके अनब्रेकिंग 3 मिल गया। वैसे मुझे फायर प्रोटेक्शन पैंट के अंदर चाहिए था। इन दोनों में रहने देते हैं और इसमें प्रोटेक्शन, इसमें भी रहने देता है फायर प्रोटेक्शन। इसको 4 कर लेता है। और इसके अंदर फैदर फॉलिंग भी है। 3 तक ही होगा क्या? चलो कोई बात नहीं, फैदर फॉलिंग डाल दिया मैंने। और प्रोटेक्शन 3 और अनब्रेकिंग 3 इसको अंदर डाल देता है। और इसके अंदर शार्पनेस 3 है। और क्या है इसके अंदर? अनब्रेकिंग 3 भी है, फायर प्रोटेक्शन 3 है। चलो इसको मैं इसके अंदर डाल देता हूँ तो शार्पनेस 4 हो जाएगी। और फायर प्रोटेक्शन, और इसके अंदर एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी की तो ज़रूरत नहीं है अभी मुझे। ट्रेडिंग कर लेता है तब तक इससे। लूटिंग ले सकता हूँ इससे मैं। ये लो लूटिंग 3 भी आ गई। और एक एनविल बना देता हूँ यहाँ से। और ये लो लूटिंग 3 भी आ गई। यार अभी देखो ये अनब्रेकिंग 3 दे रहा है। मैं कब से ट्राई कर रहा था और नहीं मिला मुझे। यार अभी मैं इसको जाने भी नहीं दे सकता क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ों में मैं अनब्रेकिंग 3 लगा सकता हूँ। काफ़ी टाइम हो गया पर अभी तक मुझे ब्लास्ट प्रोडक्शन नहीं मिली है। तो फिर मैं सोच रहा हूँ ब्लास्ट प्रोडक्शन को रहने देता है, उससे अच्छा मैं अपनी बो को इंचेंट करता हूँ। ये रही ना इसके अंदर है, ये रही पावर 4, अनब्रेकिंग 3 और पंच 2। ओके 30 XP तो हो गए। और अभी चेक करते हैं क्या मिलता है। अनब्रेकिंग 3 मिल रहा है, वैसे ले लेना चाहिए, उसके साथ कुछ भी मिल सकता है। नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। ठीक है भाई, अभी मैं ये सब चीज़ें मैं बाद में करूँगा और अभी मैं इनको इंचेंट कर लेता हूँ। ओके ये अच्छा हो गया। बस अभी मुझे इन्फिनाइट चाहिए जो कि मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में करूँगा उसका काम। सो गाइस आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।